हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करें कि 3D इमेज कैसे बनाए। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता। मैं या तो अपने मोबाइल की गैलरी में, मैंने अपने मोबाइल की गैलरी को ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं मैंने आप व्हाट्सअप के साथ मैंने 3D इमेज बनाया है। सो दोस्तों, आप भी इस प्रकार से व्हाट्सअप के साथ या फिर फेसबुक के साथ या फिर यूट्यूब के साथ आप किसी के भी साथ 3D इमेज बना सकते हो। और यहाँ पर आपका नेम भी शो होगा, देख सकते हैं आप। मेरे चैनल का नाम टेक्निकल फ्रोजाबादी और यूट्यूब का लोगो है। इस प्रकार से आप भी सोशल मीडिया 3D इमेज क्रिएट कर सकते हो। कैसे बनाओगे, बस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो अगर आप चाहो तो आप गूगल की मदद से भी बना सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा कठिन होने वाला है। मैं आपको सबसे आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा तो आपको अपने मोबाइल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देख सकते हैं मैंने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लिया और मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में आपको सर्च आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको बिंग लिख के सर्च कर देना है। मैंने क्या लिखा है, BING, बस आपको इतना लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा जो कि एक AI का एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप सोशल मीडिया 3D इमेज बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि देखो मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, यही एप्लीकेशन आपको भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपने मोबाइल में 3D बिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से समझना, नहीं तो आप इमेज क्रिएट नहीं कर पाओगे। अब जब भी आप इसको ओपन करोगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। विदाउट अकाउंट क्रिएट किए हुए आप इमेज को क्रिएट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो सामने देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट शो हो रहा है। मेरा यहाँ पर नाम आ रहा है अनुपम पाठक और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है। जब इसको आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बनाओगे, सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना है और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। बस आपको चार स्टेप में आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। और मान लेते हैं कि अगर आप अकाउंट नहीं बना पा रहे हो तो उसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि बिंग एप्लीकेशन का अकाउंट कैसे बनाएं, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हो और आप अपना बिंग ऐप का अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आने लगे, जैसे मेरा सो रहा अनुपम पाठक, इस प्रकार से इसमें आपका अकाउंट बन जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान समझना, आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लिया, आपका अकाउंट भी बन गया। अब आपको इससे इमेज को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करोगे, आपके सामने सेम टू सेम यही इंटरफेस आने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे लिखो एप्स का। साइड में कॉर्नर पे आपको एप्स का एक आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो आपको वेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टूल्स आएंगे, देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, जैसे मैं स्क्रॉल कर दिया, अब आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इमेज क्रिएटर। देख सकते हो ऑप्शन आ इमेज क्रिएटर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसकी मदद से आप सोशल मीडिया 3D इमेज बना सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया इमेज क्रिएटर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब ये गूगल क्रोम पर ओपन होगा, देख सकते हैं गूगल क्रोम खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आएगा, देखो कुछ लिखने के लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना होगा। AI को बताना पड़ेगा कि आप कैसा इमेज क्रिएट करवाना चाहते हो, कैसा नाम डलवाना चाहते हो, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा टेक्स्ट के माध्यम से। यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है, क्या टेक्स्ट लिखना है, जो कि मैं ऑलरेडी लिख के रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही वाला टेक्स्ट है जो कि आपको लिखना पड़ेगा, और ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकती हैं। इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता, मैंने इसको पूरा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको भी इसी प्रकार से कॉपी करना है, उसके बाद आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, क्या चेंजेस करने की जरूरत है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेम सोशल मीडिया। यहाँ पर आपको उस सोशल मीडिया का नाम डालना है जिसका आप इमेज क्रिएट करवाना चाहते हो, आपका फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जिसका इमेज क्रिएट करवाना है उस सोशल मीडिया का नाम डालना है। और थोड़ा स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, नेम का एक सेक्शन आ गया, डबल कॉमा के अंदर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपने इमेज पर डलवाना चाहते हो वो आपको अपना नाम डाल देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं नेम सोशल मीडिया मैंने डाले फेसबुक, मुझे फेसबुक के साथ 3D इमेज बनाया तो यहाँ पर मैंने फेसबुक डाल दिया, और जहाँ पर अपना नाम डालने का ऑप्शन है वहाँ पर मैंने अनुपम पाठक डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको अपना नेम में चेंजेस कर देना है। उसका सिंपली आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस क्रिएट पर क्लिक करोगे बस आपको 5 से 10 सेकंड का वेट कर लेना, उसके बाद आपका 3D इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों
जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 3D इमेज क्रिएट हो चुका है विद के साथ, वो फेसबुक के साथ। सबसे पहले मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इस इमेज पर क्लिक कर दिया, मेरा 3D इमेज बन चुका है। यहाँ पे मेरा नेम भी सो रहा है अनुपम पाठक। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी 3D इमेज बना सकते हो। मेरा नेम भी आ रहा है, यहाँ पे DP भी आ रहा है, आप भी इस प्रकार से बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं जैसे इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करोगे, आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे, 3 डॉट आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ऑप्शन आएगा डाउनलोड, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना डाउनलोड पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका इमेज आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली डाउनलोड। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप 3D इमेज क्रिएट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और कुछ भी सीखने को मिला हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।